तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। गाइस आज मैं आया हुआ हूं छोटे सरकार, जहां पे हजारों लोग देश दुनिया से अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए आते हैं। आइए चलिए चलते हैं, मैं आपको छोटे सरकार के दीदार कराता हूं। साथियों आप देख सकते हैं छोटे सरकार का मेन गेट, जब आप छोटे सरकार आएंगे तो यहीं से आपको एंटर करना होगा। एंटर करते ही आपको कुछ दुकानें देखने को मिलेंगी। इन दुकानों से आप छोटे सरकार के लिए चादर इत्र खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको चादर इत्र और फूल वगैरह आपको दिखाई देंगे, आप यहाँ से वो ले सकते हैं छोटे सरकार के लिए। यहाँ पर आपको एक ढाबा भी मिलेगा जहाँ पे बिरयानी मिलेगी आपको। तो अगर आप दूर दराज से आए हैं तो खाने का भी लुत्फ उठा सकते हैं। थोड़ी दूर आगे चलते ही आपको कब्रिस्तान देखने को मिलेगा। दोनों साइड में आप देख सकते हैं ये कब्रिस्तान है। हर बृहस्पति को यहाँ पर आपको काफ़ी बड़ा मार्केट देखने को मिलेगा। ये 500 मीटर का रास्ता है, ये पूरे रास्ते में आपको मार्केट देखने को मिलेगा हर बृहस्पति को। थोड़ी दूर आगे चलते ही आप देख सकते हैं आपको ये वजू खाना देखने को मिलेगा। यहाँ पर अक्सर लोग वजू करते हुए मिलेंगे आपको। वजू करते समय आप यहाँ चप्पल और जो जूते हैं वो बाहर उतारते होंगे, आप अंदर ना उतारें। आप यहाँ पे अपनी जो टू व्हीलर से अगर आप आए हैं तो आप अंदर भी खड़ी कर सकते हैं या फिर आप दुकान के पास खड़ी कर सकते हैं जब आप छोटे सरकार में एंटर करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ स्टॉल लगे हुए देखने को मिलेंगे आपको, तो आप यहाँ से फूल ले सकते हैं, चादर ले सकते हैं, इत्र ले सकते हैं। ये देखिए फूल, गुलाब के फूल आपको देखने को मिलेंगे, लॉकेट्स मिलेंगे, लॉकेट्स भी ले सकते हैं आप। यहाँ पे बच्चों के लिए खिलौने भी मिलते हैं, वो भी आप खरीद सकते हैं यहाँ से। अब हम एंटर होते हैं अंदर, छोटा सा मार्केट आपको देखने को मिलेगा अंदर। आप देख सकते हैं आप तस्वीरें भी खरीद सकते हैं, इत्र खरीद सकते हैं, लॉकेट्स खरीद सकते हैं, चादर है, कुछ किताबें भी देखने को मिलेंगी आपको, वो भी खरीद सकते हैं आप। यहाँ से आप अंदर एंटर होंगे, एंटर से पहले आपको फूल बेचते हुए भाई साहब मिलेंगे, आप यहाँ से फूल खरीद सकते हैं छोटे सरकार पर चढ़ाने के लिए। आगे चलते ही छोटे सरकार की मज़ार आपको देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं छोटे सरकार, ये छोटे सरकार की मज़ार है। जो लोग आ नहीं सकते किसी कारणवश वो छोटे सरकार के दीदार कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। हजरत बरुद्दीन बड़े सरकार के छोटे भाई थे, आपको छोटे सरकार के नाम से प्रसिद्धि मिली। आप सुल्तान उल आरफीन के शिष्य थे। छोटे सरकार की रुचि भी बचपन से धार्मिक विषयों में थी। बड़े होकर आप अरब छोड़कर अपने भाई के भांति बदायूं के निकट एक शांत क्षेत्र में निवास करने लगे। छोटे सरकार को विशिष्ट दिव्य शक्ति प्राप्त थी। आइए अब चलते हैं मौलाना साहब की मज़ार पर, आप देख सकते हैं मौलाना साहब की मज़ार।
यहाँ पर देश दुनिया से काफ़ी लोग आते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ मरीज बैठे हुए मिलेंगे आपको, उनका इलाज चल रहा होता है। तो आप देखिए कितने मरीज आपको देखने को मिलेंगे जिनका इलाज चल रहा होगा। उसके थोड़ी दूर चलते ही हम एक और मज़ार की तरफ जाते हैं। ये मज़ार है दूल्हे मियाँ की मज़ार। आप देख सकते हैं दूल्हे मियाँ की मज़ार, ये दूल्हे मियाँ की मज़ार है। आप देख सकते हैं छोटे सरकार के पास पीर जी बैठे हुए आपको देखने को मिलेंगे। उनसे हमने छोटे सरकार के बारे में बातचीत की, आइए सुनते हैं वो क्या कहते हैं। पीर जी सरकार का नाम क्या है? ख्वाजा सैयद अबू बकर बदरुद्दीन शाहरियार साहब आपका नाम है। और कहाँ कहाँ से ये लोग आते हैं, किस लिए आते हैं? ये तो मुल्क के पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आते हैं, मरीज हैं जिसकी भी जो परेशानी हो, तकलीफ हो, ये जिनके ऊपर भूत प्रेत होए या सेब जिन जिन्नात होए और भी किसी भी किस्म की कोई भी बीमारी हो, वो यहाँ पर ठीक होने के लिए दुआएं मांगने आते हैं। सरकार से अर्ज करते हैं, अल्लाह से दुआ मांगते हैं, सरकार के वसीले से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इनकी मुरादें पूरी करता है। और वो 40 दिन के लिए भी आते हैं, 40 दिन का वो चीला, 40 दिन का कुछ लोग चिल्ला भी करते हैं, जिनके अच्छा। केस आगे को बढ़ जाते हैं वो लोग 40 दिन का चिल्ला भी करते हैं। अच्छा अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं आए और दुआ मांग के चले। और किस किस की मज़ारें हैं यहाँ? छोटे सरकार हजरत ख्वाजा सैयद अबूबकर मुताब बदरुद्दीन शाहविलास साहब रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार, आगे हजरत मौलाना सैयद सिराजुद्दीन तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है, इधर सरकार के बहनोई ख्वाजा सैयद अब्दुल्ला मुल्तानी साहब रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ है। सरकार के बारे में कुछ बताइए। छोटे सरकार की दरगाह है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे बदायूं से लेकर और पूरे देश के लोग आते हैं अमन चैन की दुआ मांगने के लिए, अपने दुख परेशानी के लिए। आपका नाम हजरत ख्वाजा सैयद अबू बकर मोहताब बदुद्दीन शाह बिलास साहब रहमतुल्लाह अलैह है, और आप छोटे भाई हैं, वो बड़े भाई हैं, और एक मझले भाई हैं आपके हजरत उस्मान साहब, वो वहीं पर हैं आपके बड़े सरकार में, और आपके बहनों साहब हैं यहाँ पर, और हजरत मौलाना सैयद साहब शहजी साहब तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह हैं, आपका हुजरा शरीफ है यहाँ पर, जो सारे वली जो है यहाँ शिफा देते हैं, लोग शिफा पाते हैं, यहाँ पे आते हैं लोग शिफा पाते हैं, और दिन रात यहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता है। और ये किस लिए आते हैं लोग यहाँ? यहाँ लोग मुराद मकसद के लिए आते हैं, अपनी परेशानी के लिए आते हैं, और समस्या हल होती है, लोगों की मुरादें पूरी होती हैं, इसलिए लोग बार बार यहाँ लौट कर आते हैं। अच्छा अच्छा, पीर जी से बातचीत करने के बाद अब हम निकल पड़े परी का कुआं देखने के लिए। कुछ ही दूरी पर आपको परी का कुआं देखने को मिलेगा। हमने पीजी से परी के कुएं के बारे में जानकारी प्राप्त की, आइए सुनते हैं पीजी क्या कहते हैं परी के कुएं के बारे में। ये परी वाला कुआं है। ये परी वाला कुआ है, यहाँ पे जो दवाई नहीं थी जो वाला था पूरी शरीर, वो वहाँ से सरकार के शरीर चुस्ती के यहाँ भेजा गया था, तो उनके नाम से ही शरीर चुस्ती का नाम रखा गया। अच्छा अच्छा जी,
कि सरकार के ज़माने से ही एक हुआ कि यहाँ पर औरतें नहाती रहती हैं, छिपा पाती हैं और औलाद होती है, और भी कोई जिसमानी परेशानी होती है तो यहाँ सब होती है। अच्छा, ये कितने दिन नहाते हैं यहाँ पे? यहाँ पे छः बुध नहाती हैं। छः बुध, सातवा बुध जब नहाती हैं, जब औलाद हो जाती है। अच्छा अच्छा, जब कोई परेशानी खत्म हो जाती है तब नहाती हैं। और यहाँ पे कुछ वो चूड़ियाँ और वगैरह? हाँ, यहाँ पे रिवाज है चूड़ियाँ या कोई कपड़ा अपना उतार के जाती है। अच्छा अच्छा, कौन सा वाला? अच्छा अच्छा, ये ईदगाह दोनों तरफ कहाँ कहाँ है? अच्छा, ये है। और ये उर्स कब होती है? उर्स 21 रमजान को होता है। 21 रमजान, 21 से लेके 25 तक रहता है। अच्छा, छोटे बड़े सरकार का दोनों। तो ये कब कौन से महीने में होता है? रमजान जिस महीने में पड़ता है, रमजान। अच्छा, अंग्रेजी के जिस महीने में पड़ता है, मतलब मार्च में शुरू होगा तो मार्च में होगा। आप देख सकते हैं ये जादुई मिट्टी, जिसका भी कोई गुमचोट है या शरीर में दर्द है तो वहाँ उस जगह की मिट्टी आप लगा लें तो ये चोट सही हो जाएगी। गाइस, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को शेयर करें और वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, बाय बाय एंड टेक केयर।